तो दोस्तों हम बात करेंगे बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में। बजाज ऑटो के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है बच्चे लंबे समय से यहाँ पर लगातार एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हमारे पास स्टॉक में लगातार हायर हाई हाई लोअर बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक है लगातार इस रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पर अपनी रेंज को ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमारे स्टॉक में अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर 4969 का जो लेवल है इसको ब्रेक करे तो इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर स्टॉक में अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमारे स्टॉक में 200, इसके बाद हमारे यहाँ पर स्टॉक में 5500, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हमारे यहाँ पर स्टॉक में 5700 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट के कंडीशन में आप 4788 का यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो 4575, अब इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 4461 तक के लेवल्स तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सर नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट, तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग के साथ नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।